बाहुबली के डायरेक्टर राजा मौली के साथ काम कर चुके अश्विन गंगाराजू 1770 नाम की एक मूवी लेकर आ रहे हैं, जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि ये मूवी थिएटर्स में भूचाल ला देगी। फिल्म की स्टोरी आनंद मठ, सन्यासियों के विद्रोह और बंगाल के अकाल से जुड़ी हुई है। सो हाय नमस्कार, मैं चंदन कुमार स्वागत करता हूँ सभी का फिर से एक बार। समय एक फिल्म की बहुत चर्चा हो रही है जिसका नाम है 1770। अभी फिल्म का सिर्फ अनाउंसमेंट हुआ है और ये अपने शुरुआती स्टेज पर है, लेकिन इसे लेकर जबरदस्त क्रेज दिख रहा है। जब से इस फिल्म का मोशन पोस्टर रिलीज किया गया तब से इसकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है और लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जब यह फिल्म थिएटर्स में आएगी तो भूचाल ला देगी। अश्विन गंगा राजू ने SS राजा मौली के साथ मक्खी और बाहुबली जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया है। इसके अलावा 1770 के साथ राजा मौली के फादर और मशहूर राइटर विजेंद्र प्रसाद का नाम भी जुड़ा हुआ है। विजेंद्र प्रसाद ने इससे पहले बाहुबली द बिगनिंग, बाहुबली द कंक्लूजन और इसके अलावा RRR का भी स्क्रीन प्ले किया है। विजेंद्र प्रसाद सिर्फ साउथ की फिल्मों में नहीं बल्कि बॉलीवुड की भी कई हिट फिल्मों में कहानियां लिख चुके हैं। एक तरफ उन्होंने सलमान खान की बजरंगी भाईजान, अक्षय कुमार की रावड़ी डॉक्टर, कंगना रावत की थलावी और मणिकर्णिका जैसी फिल्मों को हिट किया है, उनकी कहानियां को लिखा है। 1770 को लेकर के सोशल मीडिया पर अलग ही क्रेज दिख रहा है। माना जाता है विजेंद्र प्रसाद जिस भी फिल्म में हाथ डालते हैं वो फिल्म सुपरहिट हो जाती है। कुछ ऐसा ही मामला 1770 के साथ देखने को मिल रहा है। अभी तक फिल्म के बारे में ज्यादा डिटेल सामने नहीं आई है, लेकिन इसके साथ राजा मौली और इनके पिता का नाम जुड़े होने वजह से इसे पहले हिट मान लिया गया है। 1770 फिल्म की कहानी मशहूर राइटर बंकिम चंद्र चटर्जी की किताब आनंद मठ पर बेस्ड है और बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था। फिल्म 1770 की जो पहली झलक है उसमें लिखा भी हुआ है सेलिब्रेटिंग 150 ईयर ऑफ वंदे मातरम, और इसी को देखने के बाद हर किसी के मन में यह उत्सुकता जाग रही है कि यह आनंद मठ है क्या और किस प्रकार से इसे पर्दे पर दिखाया जाएगा। इसकी कहानी 1770 में पड़े बंगाल में पड़े अकाल और सन्यासियों के विद्रोह पर बेस्ड है। 18वीं शताब्दी में जब देश पर अंग्रेजों का राज था तो उस समय सन्यासियों और फकीरों ने मिल करके कई सारे भीषण आंदोलन किए थे और उस समय वहाँ पर बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था। इसी वजह से वो सन्यासी थे और जो फकीर थे घूम घूम कर अमीरों और सरकारी अफसरों के घरों को लूट लेते थे और इसके बाद इन्होंने अंग्रेजों से भी लोहा लिया, उनसे भी लड़ाई लड़ी। बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ उपन्यास इसी पर बेस्ड था, जो एक राजनीतिक उपन्यास बन गया और इसने पूरे देशवासियों को प्रभावित किया था। सन्यासी विद्रोह और आनंद मठ पर बॉलीवुड में पहली फिल्म बन चुकी है। हेलेन गुप्ता ने 1952 में आनंद मठ नाम से एक फिल्म बनाई थी जिसमें पृथ्वीराज कपूर, गीता बाली और भरत भूषण जैसे एक्टर्स शामिल थे और इस फिल्म में लता मंगेशकर जी का गाना वंदे मातरम भी काफ़ी हिट हुआ था और तब ये दुनिया का दूसरा सबसे पॉपुलर गाना था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में कुछ अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपकी कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मचाते रहो।